व्हाट्सअप गाइस, इस बारे में आज मिलेंगे कहो बहुत ही कमाल की वीडियो जो कि हमारा कैमरा टेस्ट वीडियो होने वाली सैमसंग M32 5G की। दोस्तों वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वैसे तो मैं ट्राइपॉड से रिकॉर्डिंग करता हूँ, पर मैं अपने जान मुझ के अपने हाथ पे फोन पकड़ के कर रहा हूँ ताकि इमेज स्टेबिलिटी का भी पता चले। जी हाँ, इसी फोन से ही M32 5G से मैं अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेल्फी कैमरा हमारा 32 मेगापिक्सल का है और सही बताना चाहूँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, स्पेशली फ्रंट कैमरा में सेल्फी और पोर्ट्रेट्स बहुत ही अच्छी आई हैं मेरे हिसाब से। मतलब अगर मुझे, मेरी उम्मीद थी कि 10 में से 5 या 6 होगा, पर ये 7.5 के आसपास मैं इसको अच्छे खासे नंबर दे दूँ, स्पेशली प्राइस रेंज के अंदर 15-16 हज़ार के आसपास की रेंज के अंदर काफ़ी अच्छा कैमरा है स्पेशली। और मैं इसकी अभी इंडोर में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडोर में असली वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है, पता लगती है, क्योंकि बाहर अगर धूप में फोटो खींचेंगे तो अगर थोड़ा कैमरा बेकार भी होगा तो धूप की सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है तो कैमरा जो है ऑलरेडी अच्छी फोटो दिखाए लगता है। तो इंडोर में भी दिखाऊंगा, वैसे तो पूरी वीडियो देखिएगा, सारे हम टेस्टिंग करेंगे, नाइट मोड, स्लो मोशन वगैरह, तो पूरी वीडियो बरकरार रही है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो ये मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप देख सकते हैं इमेज स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। पीछे की तरफ 30 FPS आप जो है इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड नहीं, कैमरे से फुल HD पे ये रिकॉर्ड हो रही है। फ्रंट कैमरा मैं अब बाहर आ गया हूँ और बाहर धूप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको धूप में भी पता चल जाएगी कैसी इसकी क्वालिटी आती है, और आई थिंक काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी आ रही है। तो अब जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है बैक कैमरा से, जो कि 30 FPS तक रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अंदर अल्ट्रा HD भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, पर वो भी 30 FPS हो सकती है, तो 60 FPS की हमारी जो है रिकॉर्डिंग वो नहीं हो सकती। तो आप जो है यहाँ पे अपना खुद ही क्वालिटी जज कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी अच्छी वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है। अब हम थोड़ा धूप वाले एरिया में जाते हैं तो अपने आप कलर जो है हमारा चेंज हो जाएगा, तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी जो है इसकी क्वालिटी आ रही है। तो सबसे पहले आप जो मेरी फ़ोटो देखेंगे ये हमने फ्रंट कैमरा से ली है, अभी मैंने इंडोर में लिया है, मैं बाहर वाली फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है पिक्चर क्वालिटी आप आ सकती है। आप देख सकते हैं बियर्ड के छोटे छोटे मेरे वाइट बाल वो भी नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस बजट के फ़ोन के हिसाब से हम जो हैं इस कैमरा की उम्मीद मैं नहीं कर रहा था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये फ़ोटो वाइड एंगल है और ये देखिए हमारी नॉर्मल है, तो देखेंगे थोड़ा सा जो है हमारा कैमरा और ज़्यादा पीछे की डिटेलिंग हो जाती है। अब हम जाएंगे पोर्ट्रेट मोड पे भी वाइड एंगल और नॉर्मल मोड हमारा आता है, तो ये हमारी जो है आप देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल फ़ोटो है और ये पोर्ट्रेट फ़ोटो है और ये हमारी जो है वाइड एंगल की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पीछे का एरिया जो है यहाँ पे अच्छा खासा ब्लर हो सका है। अभी मैंने 50% ब्लर कर रखा है, आप 100% ब्लर करने का फ़ायदा नहीं होगा, फिर जो है आपके एजेस जो हैं वो भी शायद ख़राब होने लग जाएंगे। तो अभी भी फ़ोटो हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। आप यहाँ देख सकते हैं कैप की भी काफ़ी अच्छी जो है हमारी डिटेलिंग यहाँ पर आ रही है पोर्ट्रेट। आप पीछे देख सकते हैं ये एरिया सारा का सारा जो है ब्लर है। तो ये एक और देखते हैं, ये मैंने बाहर धूप में फ़ोटो खींची ताकि धूप में भी पता चले। आप देखेंगे धूप में तो और भी ज़्यादा बेटर आई है, तो यहाँ देखेंगे और भी क्लियर आई है एकदम, तो हेयर आप देख सकते हैं एक तो रेशे वेचे सब नज़र आ रहे हैं, अच्छे खासी फ़ोटो हमारी आई है। तो एक और फ़ोटो दिखाता हूँ, ये मैंने धूप में खड़े होकर बाहर की तरफ हमारे सर पे फेस पे लाइट आ रही है और पीछे मैंने पोर्ट्रेट फ़ोटो खींची है सेल्फी, तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और काफ़ी ज़्यादा शार्प फ़ोटो आई है। पीछे का एरिया एकदम पोर्ट्रेट मोड का जो काम होना चाहिए, पीछे का एरिया जो हमारा ब्लर करना होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी कैप और फेस और शर्ट के अलावा बाकी सारा जो एरिया है वो ब्लर है। अभी मैंने 50% ब्लर पे ही रखा था, जो कि बहुत ही हमारी कमाल की फ़ोटो आई है। तो ये फ़ोटो मैंने बैक कैमरा से खींची जो कि हमारा 48 मेगापिक्सल का है और ये भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो आई है। टी शर्ट का कलर और मेरी शॉर्ट्स का कलर और पीछे आप देख सकते हैं गमले जो हमारे पड़े हैं प्लांट्स, इनके भी हर लीफ का अलग अलग जो अलग अलग रंग की जो थोड़ी येलो हैं, थोड़ी ग्रीन हैं, तो सर यहाँ थोड़ा ब्लूइश सा है, सबका ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी जो है कलर आ रहा है। थोड़ा मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ तो भी फ़ोटो हमारी कुछ जो है फट नहीं रही। पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे वाले बहुत दूर हमारा वो घर है, देखें कम से कम आई थिंक
50-100 फुट के आसपास, 100 फुट से भी ज़्यादा दूर होगा वो घर। तो यहाँ देखेंगे उसके घर की भी पीछे की हमारी वाटर टैंक जो है नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी जो है डिटेलिंग हमारी बैक कैमरा की भी बहुत अच्छी है। अब मैं अगर आऊँगा वाइड एंगल, तो ये हमारी वाइड एंगल की फ़ोटो है, पर वाइड एंगल की फ़ोटो की डिटेलिंग ज़्यादा नहीं है। यूजली वाइड एंगल लोगों की फ़ोटो खींचने के लिए नहीं होती, अगर आप कहीं जा रहे हैं या सीनरी वगैरह के लिए, बाहर पहाड़ या वादियाँ वगैरह के टाइप, उस टाइप की मोस्टली होती है, तो बैक कैमरा के लिए स्पेशली। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड तो हमारा ठीक आया, अगर मैं फ़ोटो को जूम करूंगा तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो हमारी जो है फट रही है। तो मुझे बैक वाइड एंगल में वैसे भी यूज़ नहीं करता, इतनी ज़्यादा मोस्टली क्वालिटी नहीं होती फ़ोन्स की। ऑब्वियसली इसका दो मेगापिक्सल ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं। नॉर्मल अगर हम देखें तो ठीक है, अबव एवरेज कहूँगा इसकी फ़ोटो में। आइए अगला देखते हैं हमारा। तो ये मैंने खींची है पोर्ट्रेट फोटो, तो थोड़ी सी फेस पे ब्लर इसलिए आई है क्योंकि मैं अपने ट्राईपॉड से फोटो खींच रहा था और इसलिए मैं फोकस नहीं कर पाया टैप करके ट्राईपॉड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं फिर भी हमारी फोटो जो है ये वाली फोटो थोड़ी सी बेटर आई है, आप यहाँ देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी डिटेल लेंगे। थोड़ा सा यहाँ चश्मे के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा आउट ऑफ फोकस ब्लर हो रहा है, वो भी मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो था मैं फोकस मैं नहीं कर पा रहा था। फिर भी काफ़ी अच्छी फोटो आई है पोर्ट्रेट में, मेन मकसद जो होता है बैकग्राउंड को ब्लर करने का, वो हमारा ऑलमोस्ट जो है पूरा हो रहा है। तो वैसे तो उसको कुछ करना नहीं चाहिए। तो ये मैं अपने घर की छत पे खड़ा था और ये चील आई थी हमारी छत पे, और ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊंगा तो 12 या 13 फुट का डिस्टेंस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने एकदम 10x मैक्सिमम जूम करके जो होती है वो मैंने फ़ोटो खींची, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो हमारी ऑब्वियसली क्लियर नहीं है। 5 या 6x जूम तक आप फोटो खींच लें लायक होती है, उसके बाद आपकी फ़ोटो जो है फट जाती है। तो आपको एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि अगर जितना ज़्यादा आप जूम करेंगे, वैसे ही डिजिटल जूम होता है, ऑप्टिकल जूम नहीं होता, तो आपकी फ़ोटो जो है ज़्यादा खास नहीं आएगी। तो आइए दिखाता हूँ, कुछ मैक्रोस फोटो मैंने खींची हैं, ये काफ़ी अच्छी फोटोज आई हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं 2 मेगापिक्सल का हमारा मैक्रो कैमरा है। तो ये काफ़ी अच्छी जो ग्रास आई है, थोड़ी सी मैंने फ्लावर्स की भी फ़ोटो खींची है, तो ये बहुत बड़ा फ्लावर है, उसके अंदर बहुत छोटा फ्लावर आई थिंक 7-8 mm का होगा, तो इसकी भी डिटेलिंग ठीक ठाक आई है, बहुत बहुत अच्छी नहीं कहूँगा पर ठीक ठाक मैं कहूँगा। यहाँ देखेंगे एक और फूल है, और यहाँ जो है थोड़े से इसके रेशे वगैरह फट रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है इसमें ज़्यादा मुझे उम्मीद थी नहीं मैक्रो के अंदर, पर कोई बात नहीं, अच्छा एक फीचर है, छोटा मोटा अगर आपको कुछ करना हो तो आप छोटा मोटा जो है एवरेज काम कर सकते हैं। तो ये मैंने नाइट फोटोग्राफी के लिए खींची है, तो यह आप देखते हैं घर की फोटो है। और अगर हम एक और करूँगा, मैं नाइट मोड अभी डिसेबल है, अब हम करूँगा एनेबल, तो ये देखेंगे नाइट मोड हमारा एनेबल है, और हाँ देखेंगे फोटो हमारी ब्राइट होगी। हाँ क्वालिटी जो है वो शार्प नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली लो बजट कैमरा है हमारा, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसने जो फोटो को एनहांस किया है, और यहाँ देखेंगे थोड़ी सी जो है ब्राइट कर दी है। और दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये देखिए एक पेड़ है, यहाँ पेड़ जो है एकदम डार्क, बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको थोड़ा ऑन करता हूँ नाइट विजन, तो आप यहाँ देख सकते हैं नाइट फोटो पे थोड़ा सा जो है हमारा ब्राइट हो गया है, पर वही है कि फोटो हमारी ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि इस पेड़ के ऊपर ज़्यादा लाइट नहीं थी। जिस कैमरे का ये मकसद होता है कि जब आप जो है किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तभी फोटो आपकी क्लियर आती है, तो वही है, इस बजट के नाइट मोड में ज़्यादा उम्मीद मैं इससे कर भी नहीं रहा था। सो ये मैंने स्लो मोशन में वीडियो बनाई है, ज़्यादा खास मुझे लग रही, बस मैंने एक जंप करके वीडियो बनाई, तो आप देख सकते हैं मैं चल तो नॉर्मल रहा हूँ, और अब देखेंगे हमारी स्लो मोशन पे मैं कर रहा हूँ जंप, और ये मैंने जंप किया और एकदम बढ़िया सा हमारी आई है। तो आई थिंक स्लो मोशन ठीक है, 10 में से अगर मैं रेटिंग दे दूंगा तो मैं 6.5 या 7 दूंगा। ऑलरेडी मेरा कैमरा ट्राईपॉड पे लगा होता है तो ऑब्वियसली फोटो वीडियो ज़्यादा बेटर आती है, अगर आप हाथ से बना रहे हो तो स्लो मोशन थोड़ा हिलता है आपका हाथ तो थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो इससे बेटर नहीं आता। तो दोस्तों ये था हमारा सैमसंग M32 का कैमरा टेस्ट। आप सोच रहे होंगे भाई गाड़ी में क्यों बैठा हुआ है, एक्चुअली ये फ़ोन मेरे फ्रेंड का है और मैं उसको देने के लिए जा रहा था, और मैंने सोचा एंडिंग वीडियो तो मैंने बना ही नहीं है, तो भाई लास्ट वीडियो बस बना रहा हूँ। तो दोस्तों कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली फ्रंट कैमरा तो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, और स्लो मोशन ठीक ठाक है, आपकी 60 FPS की रिकॉर्डिंग नहीं होती, पर फिर भी इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत होती नहीं, नॉर्मल अगर आपको यूज़ करना हो तो आपको शायद फ़र्क भी नहीं पता चलेगा। तो सभी के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया जो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।